वेलकम टू फाड़े फिजिक्स बाय वीके। तो आज की इस जो वीडियो में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर फर्स्ट चैप्टर, और न्यूमेरिकल है 1.4। वैसे ये थ्री का न्यूमेरिकल है, तो देख लेते क्या न्यूमेरिकल बोल रहा है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। बिल्कुल ही ये हमने एक्सप्लेन कर लिया है थियोरेटिकल पार्ट में, तो आप वीडियो वहाँ जाकर देख लीजिएगा। वैसे पूरी वीडियो आपके प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमने ये पढ़ा था, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज, ठीक है ना। जो हमने ऐसा देखा था कि चार्ज जो है हमेशा क्यू इज इक्वल टू एनी के स्वरूप में। मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपको डिटेल में देखना है तो आप वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, वाई वन कैन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक, अरे भाई माइक्रोस्कोपिक के साथ हम डील करते हैं, तब हम चार्ज को इग्नोर क्यों कर सकते हैं। तो कुछ नहीं है, सवाल वैसे आसान है नहीं, देख लो। मैं आपको बोलूँ, हम समंदर है क्या है, बहुत बड़ा समंदर है, पानी भरा है बहुत सारा, ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं आपको पूछूँ कि इतने बड़े समंदर में कितना चार्ज होगा, आप बोलोगे इनफाइनाइट, इन कैलकुलेटर, जो हम कैलकुलेटर नहीं कर सकते, पॉसिबल टू इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट इट, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। ये समंदर है, समंदर में पूछूँ आपको कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस समंदर में होंगे, तो आप बेहोश हो जाओगे गिनते गिनते, पीढ़िया की पीढ़िया चली जाएगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिनने के लिए, ठीक है। अब मैं आपको, देखो ये तो ठीक है, हम बता नहीं सकते। मैं आपको पूछूं कि मान लो इस समंदर में से मैं दो इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, मैं कितने, ये तो हंसी वाली बात हो गई, वैसे जोक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन निकाल लूं तो क्या इसके चार्ज में कुछ डिफरेंट पड़ेगा, क्या चार्ज उसका कितना रहेगा। समझ पा रहे हो मैं बोल क्या रहा हूँ, इसके चार्ज में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है, लार्ज स्केल में है ना ये, तो हम छोटे मोटे चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं, 1e 2e 100e, ठीक है, इतना हम इग्नोर कर सकते हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी के सामने हम छोटी क्वांटिटी को इग्नोर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं जो कैलकुलेटेड भी नहीं कर सकते हम, इनफाइनाइट अप टू। तो उसके कंपेयर में से एक दो चार्ज में निकाल लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता इसके नेट चार्ज में। तो वही ये चीज़ समझा रही है, वहाँ पे हम क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को इग्नोर कर सकते हैं अगर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पे चार्ज गिन रहे हैं तो, ठीक है। हो गया क्लियर, समझ में आ गया सब, आई थिंक समझ में सब आ गया होगा। नहीं आओ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।